हेलो, जय ड्राइविंग स्कूल डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मेरा नाम जयश्री सोमैया है एंड मेरी ड्राइविंग स्कूल का नाम जैज A-1 ड्राइविंग स्कूल है। मैं ये ड्राइविंग स्कूल 1995 से न्यूकासल ऑस्ट्रेलिया में चला रही हूँ। आज हम ट्रैफिक लाइट के बारे में देखेंगे। ये ट्रैफिक लाइट्स में बहुत सारे वीडियोज है, प्लीज उसे देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तो दूसरों को भी फायदा हो। और ये कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक लाइट्स है और उसमें से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न और सीधे कैसे जाना है वो हम देखेंगे। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब ये क्रॉस रोड इंटरसेक्शन है, उसमें हम देखेंगे यहाँ से दो लेन आती है और यहाँ एक एक्सट्रीम राइट लेन है और यहाँ एक एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है और ये स्ट्राइपी लैंड है। सामने भी सेम सिचुएशन है और यहाँ दो लेन ऐसे आती है, यहाँ से दो लेन ऐसे आती है। अब यहाँ पे हम आज ये ट्रैफिक लाइट देखेंगे। ये ट्रैफिक लाइट में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं। यहाँ छह लाइट्स आएगी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आएगी। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है रेड लाइट इन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। दूसरा कॉम्बिनेशन ये आएगा रेड लाइट विद ग्रीन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, बाद में ग्रीन लाइट विद ग्रीन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, देन ग्रीन लाइट विद येलो एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, then green light with red arrow pointing towards right, और खाली green light या खाली orange yellow light और उसके बाद वापस ये red light आ जाती है। तो आज हम ये combination देखेंगे और उसमें कैसे turn किया जाता है वो देखेंगे। अब ये red light, आप यहां से आ रहे हो, आपको राइट टर्न मारना है ट्रैफिक लाइट पे। आपने देखा दूर से रेड लाइट है और आपने दूर से देखा कि ये स्ट्राइपी लेन है और यहाँ स्पेशल लेन शुरू होती है। तो आप जब ये स्पेशल लेन ब्रोकन लाइन जब शुरू होती है वहां से जब आप 30 मीटर दूर हो तब से राइट इंडिकेटर कीजिए, स्लो हो जाइए, मिरर ब्लाइंड स्पॉट मिरर देख लीजिए। जब यहाँ आओ तब आपने मिरर ब्लाइंड स्पॉट मिरर देख लिया है, वापस यहाँ यहाँ से अंदर घुसने लगो। जब यहाँ से अंदर घुसते हो तो वापस आपका राइट ब्लाइंड स्पॉट देख लो, क्योंकि कई बार कई लोगों को जिनको लाइसेंस होते हैं वो आपके पीछे भी होते हैं। तो आप यहाँ हो और आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिक्वायरमेंट करते हो तो कई बार आपके पहले ही दूसरी गाड़ी ये यहाँ चल स्ट्राइपी लेन में आने लगती है। तो आप जब यहाँ घुसने लगो ये राइट लेन में तब वापस ब्लाइंड स्पॉट देखो। तो आपने मिरर ब्लाइंड स्पॉट मिरर किया, यहाँ आने के बाद तुरंत ब्लाइंड स्पॉट देखो और यहाँ से ही अंदर जाओ। कई मेरे लर्नर में देखती हूँ यहाँ आते हैं फिर यहाँ से अंदर जाने लगते हैं, टू लेट, क्योंकि आपके पीछे जो गाड़ी होगी वो यहाँ से अंदर चली जाएगी और जब आप देखोगे तो वो गाड़ी बहुत नजदीक होती होगी तो कई बार वो जा नहीं पाते ये लेन में। तो यहां से अर्लियर ही अंदर जाना है, ये ध्यान देना है। अच्छा, ये भी है कि जब यहाँ बहुत सारी गाड़ियां रेड लाइट हो, यहाँ बहुत सारी गाड़ियां पार्क हो, यहाँ तक पार्क हो और आप उसके पीछे और यहाँ देखो कि यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं है तो आप ये स्ट्राइपी लेन से ये स्ट्राइपी लेन पे इंडिकेट मिरर राइट इंडिकेटर मिरर ब्लाइंड स्पॉट मिरर करके यहाँ ड्राइव करके यहाँ आ सकते हो, क्योंकि ये स्ट्राइपी लेन खाली एक अनब्रोकन लाइन ये स्ट्राइपी लेन पे ओनली वन अनब्रोकन लाइन है। जब ये स्ट्राइपी लेन पे टू अनब्रोकन लाइन हो कवर्ड बाय टू अनब्रोकन लाइन देन ओनली तो ही आप ये स्ट्राइपी लेन पे ड्राइव नहीं कर सकते। बट जब यहाँ गाड़ी ना हो तो स्ट्राइपी लेन पे मत जाना, यहाँ से ही अंदर जाना। तो ये है, लेकिन ये रूल बदल भी सकता है जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। ये आरटीए वाले
रूल बदलते जाते हैं। पहले जब ट्रैफिक कम था तो ये स्ट्राइपी लेन, फिर वन अनब्रोकन लाइन, फिर भी हम ये यहाँ ड्राइव नहीं कर सकते थे, टेस्ट में वी वर नॉट अलाउड, ये फेल आइटम थी। अभी ये फेल आइटम नहीं है, फ्यूचर में ये बदल भी सकता है, मुझे नहीं पता। तो जैसे रूल बदलते जाए आपको वो भी सारा देखना है। अच्छा, अब हम यहाँ आ गए, रेड लाइट है तो हम स्टॉप लाइन पे खड़े रह गए, हमें सीधे जाना है तो ये दोनों लोन दो में से कोई भी लेन में आ सकते हैं, हमें लेफ्ट जाना है तो उसी तरह लेफ्ट इंडिकेटर करके मिरर ब्लाइंड्स पर मिरर करके यहाँ ये लेन में आना है। अब ये, और जैसे खड़े रहे ट्रैफिक लाइट को भी देखते रहना है, जब हम आते हैं और खड़े रहते हैं तब ये लाइट चेंज होके ये लाइट भी हो सकती है। अब ये, अभी ये लाइट है रेड लाइट विथ ग्रीन एरो पॉइंटिंग टॉवर्ड्स राइट, तो आप रेड लाइट है तो सीधे नहीं जा सकते, लेफ्ट नहीं जा सकते, स्टॉप लाइन के पीछे ही रहना है, लेकिन ग्रीन एरो है तो हम राइट टर्न मार सकते हैं। लेकिन जब ग्रीन एरो हमें आता है तब इन लोगों को रेड लाइट होगी, इन लोगों को रेड लाइट होगी, और ये जो सीधे जाते हैं उनको रेड लाइट होगी, और ये जहाँ लेफ्ट जाते हैं उनको रेड लाइट होगी, लेकिन सामने जो ये लेन में लोग गाड़ियां खड़ी है उनको भी रेड लाइट एंड ग्रीन एरो होगा जो हमें नहीं दिखता है। तो हम दोनों डायरेक्शन वाले राइट टर्न मार सकते हैं, उसको डायमंड टर्न कहते हैं। तो करना है, लेकिन जब भी आप राइट टर्न करने आओ तो सामने देखना है कितनी लेन राइट टर्न मारती है, एक लेन राइट टर्न मारती है या दो लेन राइट टर्न मारती है। जो एक लेन राइट टर्न मारती है तो यहां से गाड़ियां ये लेन में या ये लेन में भी आ सकती है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट है द होल इंटरसेक्शन का, तो वो उसके पहले टर्न करेंगे और आप भी उसके पहले टर्न करना। और ये एक ही लेन यहाँ से राइट जा रही है तो आप राइट लेन में या आप लेफ्ट लेन में भी टर्न कर सकते हो। जब रेड लाइट एंड ग्रीन एरो होगा तब पेडेस्ट्रियन को भी डोंट वॉक लाइट होगी, लेकिन आपको सभी को देखना है, मैंने अगले लेसन में बताया कैसे देखना है, और फिर टर्न करना है, और बहुत वाइड मत जाना क्योंकि यहाँ से भी ये गाड़ियां टर्न करती होगी, कदाचित कई रास्ते में दो लेन टर्न करती हैं सामने से, तो उनको ज्यादा जगह चाहिए, तो आप ध्यान रखना आप ये सेंटर पॉइंट से पहले टर्न करने लगे। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन बदल के, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है ग्रीन लाइट विथ ग्रीन एरो। अच्छा, अब ग्रीन लाइट हुई है तो आप सीधे भी जा सकते हो, लेकिन सबको देखने के बाद, सब डायरेक्शन में देखने के बाद आप लेफ्ट भी जा सकते हो, लेकिन सब डायरेक्शन को देखने के बाद एंड पेडेस्ट्रियन को वे देने के बाद। अब जब लेफ्ट टर्न मारते हो तो जब ग्रीन लाइट एंड ग्रीन एरो हो तो आप इंटरसेक्शन में बाहर आ सकते हो और यहाँ आके खड़े रहना पेडेस्ट्रियन हो तो। अच्छा, अब ग्रीन एरो है तो आप किसी को वे नहीं देते, सभी को रेड लाइट होगी, सभी डायरेक्शन को, राइट सामने और लेफ्ट वाले को, तो आप यहाँ राइट टर्न मार सकते हो, और पेडेस्ट्रियन को रेड वॉक लाइट, डोंट वॉक लाइट होगी, तो आपको देखना है कि कोई भाग ना रहा है, तो पेडेस्ट्रियन और सारी डायरेक्शन में देखने के बाद टर्न कर लो। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आएगी जहाँ ग्रीन लाइट एंड ऑरेंज एरो हो जाएगा या येलो एरो हो जाएगा, तो आप यहाँ से आ रहे हो तो आपको, आपने जब ग्रीन लाइट और ग्रीन एरो देखा था तो आपने एक्सपेक्ट चेंज किया था, यहाँ आए, यहाँ तक आए तब ग्रीन लाइट एंड ग्रीन एरो था, यहाँ आ गए और ग्रीन लाइट ग्रीन एरो ऑरेंज एरो हो गया, तो बहुत नजदीक हो, आपके आगे कोई गाड़ी नहीं है, तो आप क्विकली एंड केयरफुली आफ्टर चेकिंग अराउंड टर्न कर सकते हो। बट जैसे ही ये लाइट ग्रीन लाइट एंड रेड एरो हो जाए तो आप राइट टर्न नहीं मार सकते, स्टॉप लाइन के पीछे ही खड़े रहना है, बट आप सीधे जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो आफ्टर चेकिंग एंड आफ्टर गिविंग वे टॉवर्ड्स लेफ्ट साइड द पेडेस्ट्रियंस। तो ये सब देखना है। अभी थोड़ी देर में ये ग्रीन लाइट एंड रेड एरो है तो रेड एरो चला जाता है और सिर्फ ग्रीन लाइट हो जाती है। जब सिर्फ ग्रीन लाइट हो जाती है तो पेडेस्ट्रियन को वॉक लाइट, ये साइड वाले पेडेस्ट्रियन को वॉक लाइट शुरू हो जाती है। अब सामने वालों को भी ग्रीन लाइट होती है तभी,
तो सामने वाले जो सीधे जाते हैं और या उनके लेफ्ट में जाते, उनको पहले आपको जाने देना है। इन लोगों को रेड लाइट होगी, इन लोगों को रेड लाइट होगी, और जो गाड़ियां ये लेन में खड़ी है उनको भी रेड लाइट होगी जो हमें नहीं दिखती है। तो अब हमने ये लाइट इसके सिमिलर है, हमने पहले देखा ये ग्रीन लाइट, चार लाइट्स में जब ग्रीन लाइट आती है या तीन लाइट में ग्रीन लाइट जब आती है तो हम कैसे टर्न करते हैं, मैंने अगले वीडियोस में बताया है, वो जरा देख लेना। आपको सामने वालों को वे देना है जो सीधे जाते हैं या उनके लेफ्ट में जाते हैं, और पेडेस्ट्रियन को वे देना है। तो जब खाली ग्रीन लाइट है तो आप पेडेस्ट्रियन को, ट्रैफिक लाइट को और सामने वाली गाड़ियों को देखा करते हैं कि जब मुझे सेफ गैप मिले मैं टर्न करूंगा। लेकिन इन दोनों को रेड लाइट होती है, फिर भी आपको सभी को देखने के बाद ही जाना है। अब ये ट्रैफिक लाइट बदलकर, ग्रीन ट्रैफिक लाइट बदलकर ऑरेंज हो गई, तो आपने एक्सपेक्ट चेंज किया था, आप बहुत दूर हो और एक्सपेक्ट चेंज किया है ट्रैफिक लाइट में, तो आराम से आके यहाँ खड़े रह सकते हो, तो स्मूथ ब्रेकिंग करके खड़े ही रहो। लेकिन ऑरेंज लाइट पे, ट्रैफिक लाइट पे ही हो, आगे गाड़ी नहीं है, तो फट से चारों बाजू देख लो, एंड विथ केयर आप सीधे भी जा सकते हो क्विकली बट केयरफुली, क्योंकि रेड लाइट जल्दी हो जाएगी। यहाँ भी लेफ्ट टर्न पेडेस्ट्रियन को देख के, सब जगह देख के टर्न मार सकते हो, बहुत नजदीक हो और सडन ब्रेकिंग करने वाले हो तो। और यहाँ राइट भी टर्न, सामने से गाड़ियां नहीं आती है और पेडेस्ट्रियन भी नहीं है, तो क्विकली एंड केयरफुली टर्न कर सकते हो। लेकिन अब थोड़ी देर में ट्रैफिक जब ऑरेंज लाइट हो जाती है तो बी अलर्ट, थोड़ी देर में वो वापस रेड लाइट हो जाएगी। तो जब जैसे रेड लाइट होती है तो आपको ये लाइन के पीछे ही खड़े रहना है। रेड लाइट के बाद जो आप स्टॉप लाइन के ऊपर जाओगे, तो ये स्टॉप लाइन के ऊपर जाने से, यहाँ इफ यहाँ रेड लाइट कैमरा हो तो वो एक्टिवेट होता है और आपका वो कैमरा आपकी गाड़ी का फोटो ले लेता है और आपको फाइन आता है, तो ये ध्यान रखना है।